हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नेचर इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये जो लकी बैम्बू है इसके बारे में बात करूँगी कि ये जो पौधा है हमारे लिए कितना अच्छा होता है, और ये जो पौधा है अगर हमारे को कोई इसको गिफ्ट करता है तो वो और भी अच्छी बात होती है, मगर अगर हमारे को कोई ये गिफ्ट नहीं करता तो हम अपने आप भी इसको खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। इसको रखने से काफ़ी फायदे होते हैं, और ये जो हम बांस रखते हैं घर के अंदर तो उससे क्या होता है, हमारे घर की ये जो नेगेटिविटी होती है काफ़ी दूर होती है, और ये समृद्धि का पौधा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से तो ये बहुत ही शुभ होता है, और इसकी हम केयर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर ही डालना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिससे ये हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। और ये जो पौधा है बड़ा सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसीलिए इसमें हमें आरओ का पानी डालना चाहिए, और दिन में हमें एक या दो बार इस पे स्प्रे भी करना चाहिए कि जैसे हमारे को नहाना अच्छा लगता है ऐसे हमारे पेड़ पौधों को भी नहाना अच्छा लगता है। तो यह इसको हम घर में रखते हैं, और इसको जो है कि डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है इसको, इसको मतलब ऐसे छाए में रहना अच्छा लगता है, और उससे ये काफ़ी अच्छे से जल्दी ग्रो होता है, और इसके जो लीव्स हैं वो हरे हरे रहते हैं, और इसको हम सॉइल में भी लगा सकते हैं, सॉइल में भी ये जल्दी ग्रो होता है, मगर उसको भी हमें छाए में रखना होता है, और ये इंडोर प्लांट होता है, और अगर हम इसको धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती हैं और जैसे जलने भी लग जाती हैं, और ये जो इसकी डंडी हैं ये भी पीली पड़ जाती है। और अगर इसके अंदर हम डेकोरेट के लिए स्टोन डालते हैं जैसे कि डले हुए हैं इसमें, तो हमें इसका जब पानी चेंज करते हैं हम, तो एक हफ्ते में इसका पानी हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में पानी जो होता है काफ़ी गंदा हो जाता है, रूट्स भी टूट जाती हैं और काफ़ी बैक्टीरिया भी आने का डर रहता है, तो इसलिए हमें इसको एक हफ्ते में इसका पानी चेंज कर देना चाहिए। और जो इसके अंदर हम स्टोन डालते हैं उसकी भी हमें अच्छे से सफाई करनी चाहिए, और जो ये जार है जार को भी अच्छे से साफ करना चाहिए, तो उससे ये जो हमारा पौधा है काफ़ी हरा भरा रहता है और काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और ये अगर हम गिनती के हिसाब से रखते हैं तो ये और भी शुभ होता है। अगर हम इसके 3 बांस रखते हैं तो वो हमारे शांति के लिए अच्छे होते हैं, और 5 रखते हैं तो वो धन समृद्धि के लिए अच्छे होते हैं, और जो 9 होते हैं वो सौभाग्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उनकी अगर हम स्टडी टेबल पे भी रखते हैं तो उनका भी ध्यान पढ़ाई में लगता है, और हम इनको अपनी ऑफिस में, दुकान में, कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से ये बहुत अच्छे पौधे होते हैं। तो देखिए ये मेरे 9 हैं, और इसको लाल धागे में बांध के ही रखना चाहिए, ये शुभ माने जाते हैं। तो देखिए मैंने तो ऐसे ही रखा है इसको इस तरीके से, तो मैंने कहा चलो आपसे अपना शेयर करती हूँ कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ और ये हमारे लिए कितने गुणकारी हैं। इसको रखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको कहाँ रख रहे हैं, और जहाँ भी हम रखते हैं तो वहाँ पे फ्रेश हवा आनी चाहिए, मतलब हवा आती जाती रहनी चाहिए, तो उससे कोई इन्फेक्शन होने का इसमें डर नहीं होता और ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है, और चलते चलते मैं आपको अपने ये हंसों का जोड़ा भी दिखाती हूँ कि मुझे घर अपना डेकोरेट करने का बड़ा शौक है। देखिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।